हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है वैभव और मेरे चैनल वेबटेक को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके मेरे लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखें। हेलो फ्रेंड, आज मैं आपके सामने लाया हूँ मॉर्फी रिचर्स का कॉफ़ी मेकर। सो मैं उसमें आपको बताऊँगा किस तरह आप एस्प्रेसो कॉफ़ी तैयार कर सकते हैं और हॉट कॉफ़ी। देखिए, ये जो हॉट कॉफ़ी मशीन है इसमें आप 4 कप तक बना सकते हैं एक बार में। और ये इसका जार है हॉट कॉफ़ी के लिए और ये है जाली जहाँ पे आप रॉ कॉफ़ी या फिर आप कॉफ़ी इसमें डाल सकते हैं और तब गर्म वाटर इसमें निकलेगा तो ये सन के फिर आपके कप में जो जार दिया उसमें आप ले सकते हैं। अब इसको देखिए, नीचे सेटिंग इसकी इस तरह करनी होती है लगाने के लिए। और यहाँ पे देखिए, ये जो प्लग है इसको हम खोलने रखते हैं। यहाँ पे आपको ओनली वाटर डालना है, यहाँ पे ना मिल्क ना ओनली वाटर। और यहाँ पे एक रेगुलेटर दे रखा है जो स्टीम मोड पे अभी लगा है और इसको स्विच करेंगे तो यहाँ पे कॉफ़ी मोड आएगा जिसमें आपके जार में कॉफ़ी निकलेगी या कप रखेंगे या जार जो भी आप यहाँ रखेंगे उस पर कॉफ़ी यहाँ पे आएगी हॉट कॉफ़ी। और इस मोड पे रखेंगे तो यहाँ से स्टीम आएगी और यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा स्टीम के लिए। तो जितना ज़्यादा आप खोलेंगे उतनी ज़्यादा स्टीम तेज़ी से निकलेगी। और एक चीज़ वार्निंग रखिएगा, तब तक आप स्टीम पूरी ओपन ना करें, ऊपर का ढक्कन मत खोलिएगा। अब हम इसके इसमें पानी डालते हैं और पानी है आपको थोड़ा 1 कप बनाना है तो इसके हिसाब से नॉर्मल रखिएगा 1/4 कप। तो आप देखिए, जैसे मैंने पानी डाल दिया, अब इसका मैं ऊपर जो ढक्कन है वो लगाऊंगा और ये ढक्कन काफ़ी अच्छे मटेरियल बना है, काफ़ी हार्ड है, थोड़ा सा इसकी रबर ऊपर उठाते हैं, उसको आप वापस सेट कर दें। देखिए आराम से बंद हो जाएगा और यहाँ से प्लग ऑन करते हैं और साइड में देखिए ऑरेंज लाइट चल रही है जो ऑन ऑफ बटन है। अब हम थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं, इस हीट होने देते हैं मशीन को, जितनी स्टीम करे तभी यह स्टीम बनेगी, तब तक हीट नहीं हो गई। और जैसे कि इसकी वार्निंग आपको मैं बता चुका हूँ, कभी भी आप इसको पूरी स्टीम ओपन निकाले बिना ऊपर का ढक्कन मत ओपन करिएगा क्योंकि स्टीम एकदम से फिर ऊपर की साइड से निकलेगी और आपके हाथ वगैरह बर्न होने के चांसेस ज़्यादा हैं। और देखिए, कप में आप लेना है कप में लेना है आपको मिल्क और कॉफ़ी डाल देंगे उसमें आप स्वाद अनुसार और चीनी जितनी आपको चीनी डालनी है और 1/2 कप के लगभग लीजिएगा। क्योंकि तो इसमें फिर आपका एस्प्रेसो की तरह बनने के लिए इसमें स्टीम झाग जो बनेगा उसको भी आना होगा, तो इसलिए 1/2 कप से कम लीजिएगा मग में। तो जैसा कि हमने इसमें कॉफ़ी वगैरह मिला लिया, अब हम देखते हैं इसमें स्टीम बनी है कि नहीं। अभी इसे ओपन करेंगे हम, तो देखिए अभी स्टीम नहीं बनी है, तो अभी हम इसको नॉब को वापस क्लोज करते हैं। सब हम फिर से ओपन करके देखते हैं। देखिए थोड़ा स्टीम और वाटर आ रहा है अभी, तो अभी थोड़ी देर और इसको चेक कर रोकते हैं। अभी 1-2 मिनट और आपको वेट करना होगा, उसके से अगर स्टीम के लिए आपको 3 से 4 मिनट के टाइम लगता है। और जैसे एक ही एस्प्रेसो के लिए आपका दे रखा है और ये आपकी जाली दे रखी है जिससे आप कॉफ़ी वगैरह कभी ओवरलोड हो जाए तो इसमें आपकी हो जाएगी, जिससे आप साफ कर दें। अब देखिए स्टीम बनने लगी है, ये देखिए स्टीम आ गई है। अब हम मग लाएंगे अपना,
और काफ़ी आसानी से उसमें कॉफ़ी तैयार हो जाती है। और अब आपको कहीं भी सीसीडी वगैरह जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, घर बैठे आप तमन में आए तब आप सीसीडी जैसे कॉफ़ी घर बैठे ही पी सकते हैं। और ये देखिए झाग काफ़ी अच्छा बनने लगा है, और आपने देखा ही था कितना मैंने मिल्क लिया था, हाफ से कम। और देखिए कॉफ़ी मेरी बन के तैयार हो गई है, और देखिए झाग कितना अच्छा झाग है इसमें। अब इस कॉफ़ी में हम चॉको पाउडर ऐड करेंगे, सारे सारा आपके जितना चॉको पाउडर आप यूज़ करना चाहें आप यूज़ कर सकते हैं। सो ये आपकी कैपचिनो तैयार हो गई है। सो अब आप घर पर बैठे ही सी 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 का मज़ा लीजिए। थैंक यू फ्रेंड फॉर वॉचिंग माई वीडियो।